सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं रिसर्च का ही एक नया टॉपिक। रिसर्च की हमने लेटेस्ट दो वीडियोस कर ली हैं, जहाँ पे वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इन आवर फर्स्ट वीडियो, एंड इन आवर सेकेंड वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रिसर्च। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिसर्च प्रोसेस, विच इज़ एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे अपना रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का प्रोसेस, आखिर क्या प्रोसेस है रिसर्च का, कि कभी भी कहीं से भी उठ करके हम रिसर्च कर सकते हैं, जब मेरा मन चाहे मैं वो रिसर्च कर सकती हूँ, या फिर जो है मेरा जो ये रिसर्च का प्रोसेस होने वाला है कि भाई लेट सपोज आई हैव डिसाइडेड कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है ना, व्हाट इज़ द प्रोसेस, उस रिसर्च की प्रोसेस जो है वो क्या होने वाली है। क्या मुझे पहले एक टॉपिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है, एंड देन मुझे अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो बताता है कि आपको कैसे अपना इस रिसर्च का प्रोसेस करना है, कौन कौन से स्टेप्स एक तरीके से आपके पास इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले पेज पे आपको सिर्फ इसी तरीके से रिसर्च का बताया गया है, एक पूरा एक प्रोसेस आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम पहले एक एक पॉइंट करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिसर्च टॉपिक। लेट सपोज आपको जो है रिसर्च करनी है ऑन सम टॉपिक कि भाई कोविड का जो आपका जो इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पे, वो किस ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये आपको जो है ये आपका हो सकता है कि रिसर्च का टॉपिक है, या फिर कोई भी रिसर्च का आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको अपने रिसर्च के टॉपिक की नॉलेज होना, या फिर कह लीजिए कि आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करना जो कि आपके इंटरेस्ट के बेस पे हो, आपके नॉलेज के बेस पे हो, या फिर रेलिवेंस हो उस फील्ड ऑफ स्टडी का, तो वो आइडेंटिफाई करना कि मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या होने वाला है, वो आइडेंटिफाई करना। तो अभी लेट सपोज आप जो है कोविड का ही टाइम का मैं डिस्कशन करूंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम सबने देखा है, तो वो एक ऐसा एग्जांपल है जो सब उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा, आप जो है डॉक्टर हो या फिर जो है ऐसे पोजीशन पे हो जो कि इसी लाइन में हो कि मेडिसिन को लेकर के रिसर्च करते हो, तो अब आपके पास जो है कोई आपको प्रॉब्लम आई है, आपके सामने कुछ इश्यूज आए हैं, या फिर कुछ भी रीजंस आए हैं, अब आप जो है आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने रिसर्च के टॉपिक को। अब यहाँ पे जो रिसर्च की गई थी कोविड के टाइम पे, दैट वाज नॉट जस्ट ओनली वन रिसर्च कि भाई इसको कोविड का इंजेक्शन कैसे बनाना है, वैक्सीन कैसे बनानी है, सिर्फ वो एक रिसर्च नहीं थी, बल्कि कई सारी रिसर्चेस की जा रही थी कि आखिर ये किस बॉडी पार्ट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, आखिर ये कितने टाइम पीरियड में जो है ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर एक महीने में, दो महीने में, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कितने लोगों को जो है इन्फेक्ट करके लेकर के जा रहा है। तो देर वर मैनी रिसर्चेज विच वर कंडक्टेड बाय द मैनी पीपल, मैनी साइंटिस्ट, मैनी डॉक्टर्स, या जो भी इन्वॉल्व होते हैं इन रिसर्चेज में, सब अपने अपने लेवल पे रिसर्च कर रहे थे। तो अब आपको अपने इंटरेस्ट पे देखना है कि आपका कौन सा इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे इंटरेस्ट लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगा। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप आइडेंटिफाई करो अपना रिसर्च टॉपिक। जैसे आपने देखा होगा पीएचडी में भी आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो अपना पूरा एक अपना रिसर्च स्टडी करते हो, तो वहाँ पर आपको अपना टॉपिक खुद ढूंढना होता है कि विच इज़ अ टॉपिक जो कि मुझे अच्छा लग रहा है या फिर मुझे समझ में आ रहा है, जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। सो मेन पॉइंट होता है, फर्स्ट आपका स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना अपना रिसर्च के टॉपिक को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करना। दूसरा, रिव्यू करना एक्सिस्टिंग लिटरेचर, यानी कि जो ऑलरेडी आपने टॉपिक डिसाइडेड किया है उसको लेकर के जो ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है, जो ऑलरेडी एक्सिस्टेंस लिटरेचर है, दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट आउट। उसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज लेट सपोज समवन हैज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, एंड आपने जो है पूरा ये रिसर्च किया, उसके बाद आपने आउटकम भी यही निकाल के दे दिया दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। नाउ पर्सन पीपल विल थिंक कि भाई ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये ऑलरेडी आउटकम निकाल दिया गया है, हजारों लोगों ने ये आउटकम निकाल दिया है, तुमने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया, तुमने क्या इससे एक्स्ट्रा नॉलेज जो है अपनी मार्केट में डाली है, या फिर कौन सी एक्स्ट्रा जो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ अपनी रिसर्च से दे रहे हो, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टेंस है इसका, ऑलरेडी जो है इट इज इन एग्जिस्टेंस। तो ये जो है ये जानना कि ऑलरेडी क्या रिसर्च की जा चुकी है, ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पोपट हो जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अदरवाइज पोपट हो जाएगा। तो पहले जो एक्सिस्टेंस लिटरेचर है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, घोल के मत पिए, बट एटलीस्ट रिव्यू कर लीजिए कि किसने किस रिसर्च में क्या आउटकम निकाल करके दे चुके हैं। कंडक्ट अ थ्रू रिव्यू ऑफ एक्सिस्टेंस लिटरेचर एंड रिसर्च रिलेटेड टू योर टॉपिक, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसके बारे में कभी पहले बात ना हुई हो। ठीक,
ठीक है, यहाँ नहीं हुई तो कहीं और हुई होगी, पर हुई ज़रूर होगी। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये सारे जो लिटरेचर अवेलेबल है उसका थोड़ा सा एक रिव्यू कर लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल खोलना नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए कि भाई इसके बारे में क्या बताया जा चुका है। तो रिव्यू करना एक्सिस्टेंस लिटरेचर का एंड रिसर्च रिलेटेड टू योर टॉपिक, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या करंट नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे मार्केट में, और आप जो है उसको अपना बेस बना करके फिर आगे काम कर पाओगे। आइडेंटिफाई कर सकोगे आप गैप की इसमें कोई गैप तो नहीं है, एंड आप जो है अपना रिफाइन कर सकोगे अपनी रिसर्च के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चनेयर्स और हाइपोथेसिस। अब आपने जो है आपके पास टॉपिक आ गया, आपको पता चल गया उसको लेकर के बाहर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी रिसर्च के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करोगे कि आखिर मेरे रिसर्च का क्वेश्चन क्या होने वाला है, या फिर हाइपोथेसिस, या तो क्वेश्चन होगा या हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च करने से पहले आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो और फिर अपनी जो रिसर्च करते हो वो उसके इर्द गिर्द करते हो, और आपका जो हाइपोथेसिस है यानी कि जो आपने ऑलरेडी पहले कंक्लूजन बना दिया है उसको सही साबित करने के लिए अपने पॉइंट्स अपने रिसर्च के थ्रू इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन करते हो, सपोर्ट करते हो उन सारे रिसर्च में किए गए आपके जो भी चीज़ें हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पे फॉर्मुलेट करना रिसर्च क्वेश्चंस को या फिर अपने हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे एक क्लियर एंड स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करना कि भैया आखिर ऐसा क्या होता है या क्यों होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर हाइपोथेसिस हो सकता है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो है हेल्प होगा कोविड को ज़्यादा ना फैलने देने से, या फिर इस रिसर्च को ऐसे करेंगे, इस टॉपिक को इस तरीके से होने से। सो द एड्रेस द गैप इन नॉलेज, आइडेंटिफाई द लिटरेचर रिव्यू, डिज़ाइन द रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने हाइपोथेसिस ले लिया, अपना फॉर्मुलेट कर लिया रिसर्च का जो भी क्वेश्चंस था, अब आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे अपने रिसर्च के मेथोडोलॉजी को, यानी डिटरमाइन करोगे जो मोस्ट आपका अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन है एंड मेथोलॉजी फॉर योर स्टडी। अब रिसर्च का भी एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, ठीक है, कि कैसे रिसर्च करनी है, क्या टॉपिक है, उसका बेसिक पहले डिस्क्राइब करना, फिर उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम सामने आई है, तो ये सब चीज़ें जो है आप करते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आपको क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करना है, क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करना है, मिक्स्ड मेथड अप्रोच यूज़ करनी है, आपको क्या डेटा प्लान डेटा चाहिए कलेक्शन मेथड का, या फिर जो है सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये सब जो है आप डिज़ाइन करते हो अपने रिसर्च की मेथोलॉजी को। फिर उसके बाद आप करते हो डेटा का कलेक्शन। डेटा का कलेक्शन किया जाता है क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरीके से काम करना है, अब आप डेटा कलेक्ट करोगे। अगर आपको क्वालिटेटिव चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए, या जिस भी तरीके का डेटा चाहिए, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप अपने सारा प्रोसेस करोगे, कलेक्ट करोगे डेटा को अकॉर्डिंग टू योर चूजन मेथोलॉजीज, जो भी आपने मेथोलॉजीज मेथड्स चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे, इंश्योर करोगे कि जो भी डेटा आप कलेक्शन कर रहे हो प्रोसेस का वो एथिकल हो, और यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। रिसर्च करते टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको अपने डेटा को सही तरीके से यूज़ करना है, सही तरीके से कलेक्ट करना है। ऐसे नहीं, कई बार आपने देखा होगा 11th 12th में जब आपको जो है बिजनेस स्टडी का आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा 12th स्टैंडर्ड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे जो है कई बार हमें जो है ना थोड़ा सर्वे क्वेश्चनियर सर्वे भी भरने होते थे, तो हम क्या करते थे, इक्का दुक्का तिक्का टिक्का टिक्का टिक्का, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज टू डू दैट। ठीक है, मैं अपने बता रही हूँ, आजकल के बच्चे कब, मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्या था, ये सही तरीका नहीं है कि आपको जो है एक्चुअली में डेटा चाहिए, आप पूरा उसको डेटा को डेटा के लिए फील्ड में उतरिए, डेटा कलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का करके अपनी रिसर्च बना ली और उसके अपना जो है क्वेश्चनियर्स बना दिया, सर्वे बना दिया, खुद भर भी लिया, खुद नाम भी भर दिया, और फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च जो है उस बेसिस पे कर दिया। नहीं, कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, सही तरीके से करना है, और उसको जो है एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के तहत करना है। एनालाइज डेटा, एनालाइज करना है डेटा को। ठीक है, डेटा अब आपने कलेक्ट कर लिया है, आपके पास डेटा आ गया है, अब द मेन पॉइंट इज अब आप उसको एनालाइज करो, उसका आउटकम निकालो कि क्या आउटकम निकल रहा है। सो एनालाइज करना कलेक्टेड डेटा, जो आपका ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज करना, किस तरीके से, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स के थ्रू, जो भी आपके पास जो भी आपकी मेथड आपने यूज़ करना है एनालिसिस करने का वो कर सकते हो, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल यूज़ कर सकते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कोड एंड इंटरप्रेट कर सकते हो डेटा को टू आइडेंटिफाई पैटर्न थीम्स ऑफ और रिलेशनशिप्स।
ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉ कंक्लूजन। अब आपने जो है डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज कर लिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब इसको जो है कंक्लूजन में ड्रॉ करना, ठीक है, कंक्लूजन बनाना कि भाई अब जो है आप कंक्लूजन बना रहे हो कि 50 में से 40 लोग जो है इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। सो बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द डेटा, जो आपके पास डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने जो उसका बाद में एनालिसिस किया, नाउ यू हैव टू कंक्लूड दैट डेटा कि उसका एक आउटकम क्या निकल के आ रहा है। अब नंबर्स आपने नंबर्स में सर्वे किए हैं, चीज़ें किए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, अब उसका एक कंक्लूजन बना देना। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द डेटा ड्रॉ कंक्लूजन, जो आपकी रिसर्च के क्वेश्चनेयर और हाइपोथेसिस को कंक्लूजन में डाल रहा है, ठीक है। कंक्लूजन यानी कि जो उसका एक तरीके से आउटकम निकाल रहा है। तो डिटरमाइन करना कि जो भी रिजल्ट आपका है वो सपोर्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है यूर इनिशियल एक्सपेक्टेशंस। डिस्कस करना एंड इंटरप्रेट करना फाइंडिंग्स, जो भी आपकी जो है आपकी फाइंडिंग्स हुई हैं उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड थ्योरीज, जो भी आपकी एक्जिस्टिंग लिटरेचर एंड थ्योरीज है उसको इंटरप्रेट करके फाइंडिंग करना और कंटेस्ट में डालना। डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स, जो आपकी फाइंडिंग्स हुई हैं उसको डिस्कस करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करना, उसके लिमिटेशंस डिस्कस करना, उसका पोटेंशियल एरिया क्या होने वाला है फर्दर रिसर्च का वो डिस्कस करना। कम्युनिकेट रिजल्ट, अब आपने क्या किया, आपने जो है कंक्लूजन बना लिया, आपने इंटरप्रेट कर लिया, कंक्लूजन करने के बाद इंटरप्रेट किया। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन एक तरीके से जो डेटा आपने बनाया है, जो आया है उसका जो आपका आउटकम निकल रहा है वो कंक्लूजन हो गया। अब उसको इंटरप्रेट करना यानी कि उसको देखना कि यार आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, मे बी दिस माइट बी द रीज़न, तो उसका फिर जो है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन करना। एंड वट एवर इंटरप्रिटेशन यू हैव डन और यू हैव गॉटन, अब उसको कम्युनिकेट करना एक रिजल्ट में, ठीक है, उसका आउटकम क्या निकल के आया है, एटलीस्ट उसका आपका जो है फाइनल आउटकम क्या आया है। तो प्रिपेयर करना एक रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसर्च की रिपोर्ट बनाना और मैन्यूस्क्रिप्ट, इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी हम इसको बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट करे आपके रिसर्च के प्रोसेस को कि क्या आपका प्रोसेस रहा था, कि आपने फाइंड किया, कि आपका कंक्लूजन रहा, उसको पूरा एक रिसर्च रिपोर्ट में शामिल करना। कंसीडर करना पब्लिकेशंस, आपका वर्क जो भी इन एकेडमिक है, जर्नल्स, और प्रेजेंटिंग इट एट कॉन्फ्रेंसेज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्जिस्टेंस बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये सब करके क्या करते हो, आप अपने कम्युनिकेशन करते हो अपने रिजल्ट का, और कैसे कर सकते हो, एकेडमिक जर्नल्स के थ्रू प्रेजेंट करके इसको कॉन्फ्रेंसेस में, या फिर जो है ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टेंस बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करके। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, रिसर्च प्रोसेस जो है वो डिपेंड कर सकता है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिसर्च फील्ड है तो हो सकता है कि आपका जो है आपका कुछ पर्टिकुलर फील्ड अलग है और किसी अदर पर्सन का फील्ड अलग है, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में वेरी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि जो कोविड का बना रहे होंगे तो उनके पास बेचारों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरा एक एक चीज़ जो है उसको चीज़ों को लिख करके बताएं या कुछ करें, उनके वो चाहिए था कि फास्ट काम करना है, तो उनके लिए जो है प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है एक आधी चीज़ उन्होंने छोड़ी हो सकता है एक आधा प्रोसेस उन्होंने छोड़ा हो, स्टेप उन्होंने छोड़ा हो, या हो सकता है कोई अदर पर्सन है जो और ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर रहा है तो उसके ये प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो जाए। तो इस तरीके से ये जो है ये एक बेसिक आपका प्रोसेस है, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस जो है हर जगह इम्प्लीमेंट होगा, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेसिक प्रोसेस, जहाँ पर सबसे पहले देखिए आपने आइडेंटिफाई किया, रिव्यू किया, फॉर्मुलेट किया, डिज़ाइन किया द रिसर्च मेथोलॉजी, कलेक्ट किया, एनालाइज किया, डेटा कंक्लूजन किया, डिस्कस एंड इंटरप्रेट किया फाइंडिंग्स, एंड देन कम्युनिकेट किया रिजल्ट्स को। तो ये जो है आपका एक बेसिक डेटा, एक बेसिक आपका रिसर्च का प्रोसेस निकल के आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।